हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द रेडियोग्राफी एकेडमी में। हम यहाँ पर रेडियोलॉजी टेक्निकल वीडियोस और जनरल वीडियोस यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। टेक्निकल वीडियोस जो होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए जो रेडियोलॉजी के अंदर स्टूडेंट है उसके लिए। और जनरल वीडियोज़ जो होती हैं वो कोई भी जनरल वीडियोज़ कोई भी बंदा जो देख सकता है, चाहे वो पेशेंट हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो या कोई भी हो। हम वहाँ पर बताते हैं एक्सरे, सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जो लैब के अंदर टेस्ट होते हैं, और जो मेडिसिंस होती हैं डॉक्टर वो क्यों एडवाइज करते हैं और क्यों डॉक्टर लिखते हैं, और हमें क्या देखना चाहिए, और हमें एक जनरल अवेयरनेस का हमें उसके अंदर पता होना चाहिए कि हमें एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि डॉक्टर ने ये टेस्ट जो है वो क्यों लिखा है और किस लिए लिखा है, और ये टेस्ट कब करवाते हैं और क्यों करवाते हैं। ये सब आप जान सकते हैं जनरल वीडियो की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर दो प्लेलिस्ट पे हमने काम किया है। एक टेक्निकल वीडियोज है जो कि रेडियोलॉजी रिलेटेड टेक्निकल वीडियोज होती हैं, और एक है जो कि जनरल प्लेलिस्ट होती है। वहाँ पर हम मेडिकल रिलेटेड जनरल अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप रेडियोलॉजी से संबंध रखते हैं और टेक्निकल पर्सन हैं तो आप रेडियोलॉजी टेक्निकल वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो रहेगा ईसीजी पे। ईसीजी के अंदर हमें क्या देखना होता है, ईसीजी डॉक्टर क्यों एडवाइज करते हैं और हम ईसीजी को कैसे पढ़ सकते हैं, वो सब आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ईसीजी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को हम ईसीजी कहते हैं। इस ईसीजी के अंदर क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हार्ट की एक्टिविटीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर हार्ट का डैमेज पता लगता है, हार्ट रेट्स पता लगता है, हार्ट रिदम्स का हमें पता इसमें लगता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो वायर यूज़ की जाती है वो वायर लगाई जाती हैं, ठीक है। वो V1 से लेकर V6 तक वायर्स होती हैं जो चेस्ट के ऊपर लगती है, ठीक है। राइट वाली जो होती है वो एक V1 जो है वो राइट में लगती है, V2 से लेकर V6 तक वो लेफ्ट चेस्ट पे लगती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो राइट और लेफ्ट वाले हैं वो दोनों हाथों पे और दोनों पाँव पे वो लगते हैं इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि उससे कोई करंट वगैरह तो नहीं लगता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई करंट वगैरह नहीं होता है। उसके अंदर सिर्फ ईसीजी मशीन जो होती है वो सिग्नल्स उससे जो सिग्नल्स है वो कैच करती है, ठीक है। वो सिग्नल्स उसके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें हार्ट की एक्टिविटीज़ हमें एक ग्राफ पेपर पर हमें प्रिंट दे के देते हैं इमेज के रूप में। और ईसीजी के अंदर हमें हार्ट की जो एक्टिविटी है, जो हार्ट की जो गति है वो कैसे काम करता है वो हमें पता लगता है इसके अंदर, ईसीजी के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल इसके अंदर जो जो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, वो जो उसकी गति है वो नॉर्मल होनी चाहिए। वो ज़्यादा होगी तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में, और वो कम होगी तो भी हमें हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो हार्ट का काम है वो ब्लड को पंप करना होता है, और जो हार्ट है वो पहले आट्रियम में जाता है, एट्रियम में जाता है पहले ब्लड, और आट्रियम से वेंट्रिकल में। जब हार्ट के आर्ट्रियम में ब्लड आता है, जैसे ही ब्लड आया आर्ट्रियम में तो थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है। तो एट्रियम क्या है, थोड़ा सा फूल जाएगा जैसे ये पिचकेगा जिसमें ब्लड आ चुका था, ठीक है। जैसे ये पिचकेगा जिसमें ब्लड आ चुका था तब एक सिग्नल निकलेगा, तो यहाँ बनती है पी वेव, ठीक है। पी वेव यहाँ बनती है, फिर क्या है कि ब्लड पिचक के कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल है उसमें क्या आ गया, ब्लड आ गया, ठीक है। और वेंट्रिकल में अब ये वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल पिचकेगा, सिग्नल जाएगा, तो वेंट्रिकल पिचकेगा तो बनेगा QRS, ठीक है। जब वेंट्रिकल पिचकेगा तो बनेगा QRS, और जब आर्ट्रियम पिचकेगा तो बनेगा पी वेव, ठीक है, फिर बनेगा पी। और एक ही वेव है, इसको QRS कहते हैं, जो वेंट्रिकल से जो बनती है, जो वेंट्रिकल जब पिचकता है तो जो QRS बनता है वो एक ही वेव होती है, ठीक है। और उसके बाद वेंट्रिकल पिचक गया तो अब वो रिलैक्स भी होगा, ठीक है। एक बार जो पिचक गया जो आर्ट्रियम पिचका या वेंट्रिकल पिचका, तो उसके बाद क्या होता है कि ये रिलैक्स भी होता है,
लिक्स होगा। तो यही पूरा प्रोसेस है, आट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से निकल गया, यही पूरा प्रोसेस इस वाल में मिलता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो टी वेव बनेगी, ठीक है, टी वेव बनेगी, इसमें ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है सब, ठीक है, ये सब रिपीट होता रहता है। अंदर क्या होता है कि जो आरआर वेव जो होती हैं, जो आरआर वेव जो इसके अंदर होती है उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसकी जो हाइट जो होती है आरआर की, ये हाइट ज़्यादा है या कम है, इससे भी हमें हार्ट में पता लगता है कि कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और जब ईसीजी आप करवा रहे हो तो ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहीं भाग कर एकदम से तो ईसीजी नहीं करवा रहे हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह करके तो ईसीजी नहीं करवा रहे हो, या कोई आपने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिया है, ठीक है। जब ये सभी जानकारी आपसे ईसीजी टेक्नीशियन लेगा और उसको ये बतानी बहुत ज़रूरी होती है, और टेक्नीशियन को ये सभी जानकारी जो है पेशेंट से प्राप्त करनी होती है ईसीजी करने से पहले। इसके अंदर क्या होता है कि एक क्यू वेव जो है उसके अंदर पता लगता है कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। आपको ज़्यादातर ईसीजी का सही पता तब लगता है जब पेशेंट को एट प्रेजेंट अगर पेन हो रहा होता है, ठीक है। जब पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो जब ईसीजी की जाए तो पता लगता है कि इनको हार्ट अटैक हो गया या होने वाला है, या हार्ट से संबंधित क्या बीमारी है। जब हार्ट में पेन हो रहा है उसी टाइम ज़्यादा पता लगता है ईसीजी के अंदर, ये ज़्यादा क्लियरिटी उसके अंदर आती है, तब पेशेंट को जब दर्द हो रहा होता है तो ईसीजी की जाए। ईसीजी के अंदर क्या होता है कि या तो हार्ट अटैक हो गया या हार्ट अटैक होने वाला है, दोनों हम ईसीजी में उसको पकड़ सकते हैं, इस इंसिडेंस को हम ईसीजी में कैप्चर कर सकते हैं और हम देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ईसीजी का ईसीजी में जो पेसमेकर जो डलता है पेसमेकर, वो ईसीजी के अंदर सही से उसका पता लग सकता है ईसीजी के अंदर कि वो पेसमेकर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अपना। और अगर आपको कोई हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ईसीजी करवाना चाहिए, आपको टीएमटी करवाना चाहिए, आपको सीटी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए या ट्रेडमिल टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये क्या होते हैं कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की एडवाइस से ही आप ये टेस्ट करवाएं, ये बेहतर रहता है। और अब हार्ट से रिलेटेड एक स्पेक्ट्रम आपने सुनी होगी, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। जब हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है, पंप करता है, तो जिस प्रेशर से वो जाता है ब्लड बॉडी के अंदर और जिस प्रेशर से वो वापिस आता है हार्ट के अंदर, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। इसके अंदर क्या होता है कि जब हार्ट सिकुड़ता है तो जो हार्ट जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाता है, और जब वो फूलता है तो हार्ट के अंदर ब्लड वापस आता है बॉडी से। जब ब्लड बॉडी के बाहर, जब हार्ट से बाहर जब ब्लड जा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और जब ब्लड वापस हार्ट के अंदर आ रहा है बॉडी से तो हम उसको कहते हैं डिस्टोलिक। और इसी सिस्टोलिक और डिस्टोलिक के अनुपात को हम बीपी कहते हैं, ठीक है। इसके अनुपात को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और ब्लड प्रेशर एक हाइपरटेंशन भी होता है, और एक इंसान का जो बीपी जो है वो नॉर्मल 120/80 रहता है। बीपी को कैसे चेक करते हैं, ठीक है, जब हम बीपी चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप का हम हेल्प लेते हैं, स्टेथोस्कोप की हम हेल्प लेते हैं। जब हम प्रेशर से, जब एक हाथ पे एक पट्टा बांध दिया जाता है उसके अंदर हम फुल प्रेशर देते हैं, जब प्रेशर देते हैं तो पारा उसके ऊपर, जो बीपी मॉनिटर होता है उसके ऊपर पारा चढ़ता जाता है। और वो पारा क्या होता है कि ऊपर चढ़ता जाता है तो फिर बाद में क्या है, वो स्टेथोस्कोप से हम जब उसकी हवा निकालते हैं, जब पारा नीचे आता जाता है तो वो, जब पारा 120 पे आ गया तो आपका जो सिस्टोलिक है वो 120 है, और फिर हमने वो नोट कर लिया, ठीक है, वो टिक आवाज़ आई, वो हमने नोट कर ली, तो 120 पे आवाज़ आई तो आपका सिस्टोलिक जो है वो 120 है, और फिर हमने थोड़ी और हवा उसकी हमने डिक्रीज की तो 80 पे जो आवाज़ आई फिर वो आपका डिस्टोलिक है। तो ऐसे ही जो आपका सिस्टोलिक हो गया वो 120 है और डिस्टोलिक हो गया वो आपका 80 है, तो ये आपका नॉर्मल बीपी है। ये ऐसे मेजर बीपी करते हैं, और जो आपका डिस्टोलिक और सिस्टोलिक है इसके अनुपात को आपका बीपी मेजर किया जाता है, इसी को कहते हैं बीपी लो हो गया और बीपी हाई हो गया।
बीपी हाई किसे कहते हैं? बीपी जो है 150, आपका सिस्टोलिक 150 हो गया और आपका डिस्टोलिक जो है वो 100 हो गया, तो इसको बीपी हाई कहते हैं। और जब आपका सिस्टोलिक जो है आपका सिस्टोलिक वो 100 हो गया और आपका डिस्टोलिक जो है वो 60 या 70 हो गया, तो इसको कहते हैं बीपी लो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो बीपी लो जो होता है वो 120 80 से ना ही तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में बीपी हाई और लो हम मेजर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। धन्यवाद।